मुझे इंसाफ सुना मेरे बेटे को, हमारी कदर ना उनको, 3 साल भी नहीं, 6 साल भी नहीं, बरस भी नहीं, उनको फांसी की बोला था। इसके बाद दूसरा करना था उसकी वो अपना हराम खोरा दिया। दोनों जो है मर्डर एक जगह करे सो और उसके जो है सबूत मिटाने के लिए जो है दूसरा तरफ लेको जाको पेटे से उसको, जो ये मर्डर केस में जो वो लड़कों को जो मर्डर करे हुए लड़कों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के जो संगठन और जो लोकल MLA और जो लोकल कॉर्पोरेटर्स, ये जो लोग जो कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी एक्शन लेना। अब हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है हमारे में। अगर इसके बाद कभी ऐसा हुआ तो जो है कि नहीं, पब्लिक तो आदमी तो आदमी, यंग लड़के तो यंग लड़के, यहाँ तक औरतें भी जो है कि नहीं, अब जो है बोल रहे कि उसका हीट का जवाब हमारे को पत्थर से देना पड़ेगा। ये जो अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखिर मकदम है। पिरनवाड़ी हुनचनट्टी में जैन कॉलेज के पीछे एक लाश बरामद हुई 2 दिन पहले, वो अरबाज मुल्ला की लाश थी। लिहाजा पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन गांव वालों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कसीर तादाद में गाँव वाले जमा हैं और इसके पीछे साजिश की बू आ रही है, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि अरबाज किसी भी झगड़ालू किस्म का नहीं था, वो झगड़ालू जहनीत का नहीं था, लिहाजा वो सबके साथ मिलजुल कर रहता था, लेकिन इसको मारने के पीछे साजिश हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। लिहाजा पुलिस ने तो 2 आरोपियों को फौरन गिरफ्तार भी किया है, लेकिन आज फिर से वो जमा होकर इस तरह की वारदात फिर से ना हो, इसके लिए मजीद अगर इसमें कुछ आरोपी हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, ऐसा मुतालबा गाँव वालों की जानिब से किया गया। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पर कार्रवाई करते हुए मजीद आरोपियों को गिरफ्तार करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह और गवर्नमेंट जिंदा परिहार से मनी सिगबेकु आमेल ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಷಯನ ಏನೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಸಿಗ್ತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಇದರಿಂದ ಪಾಪ ಅವ ದುಡದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿ ಡೇಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತ ಆ ಪಾಪ ಅವ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮರ್ಡರ್ ಆತಂದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನು RSS ಮಂದಿ ಚುಂಟಿಗಳ ಮಂದಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾಂ PUC ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸಿದ್ ನೋಡತ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಂತಿರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ CM ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು Justice for Arbaaz! Justice for Arbaaz! Justice for Arbaaz! Justice for Arbaaz! उन्हें घर को आए थे बर्थडे कर को, उसे जबर से बुला ले गई, हमें नको कर को बोले थे, मेरे बच्चे को बुला ले गई, मेरा सारा ले गई, बाबा क्या करूं भाई, मेरे अकेले भाई है उपाली भाई, बाबा मेरे जबर से बच्चे को ले गई, मैं क्या करूं, मजने तो यहाँ तो मजे मारो, मेरे बच्चे को ना करो, जरा क्या भी मदद करो बाबा। शाम का 6 बजे गई, आते कर को मैं 9-10 बजे तक देखी, नहीं आया उन्हें, कहा भी दोस्त के घर में 2 दिन आते उन्हों, हाँ 2 दिन थे, दोस्तान आते बाबा उन्हों, मैं नवा देखे आओ छोरा दोस्ता भी ना था, उनके संगत फिरता भी ना था, सजा दो बाबा उसे, हमना फटर सुबह 9 बजे मालूम पड़े हमना, हाँ इनसे उछारी बैठी मई है, रास्ता देखते बाबा सब भाई बाबा, इंसाफ दो मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ करो बाबा। अरबाज मुन्ना कुछ 2 जने आपको बुला लग गए, उसके दोस्ता नहीं उन्हों कौन भी नहीं,
लेक जाको उसका बर्थडे कर, तुम बोल को लेक जाको उसे वैसा कत्ल करे उसे, हक ना तो मारे उसे, उसे इंसाफ ना मेरे बेटे को, हमें इंसाफ के बारे में ऐसे यहाँ हम ना किसकी मदद ना को, वो कौन है ने उनको फांसी मिलना, 3 साल की 6 साल की उमर कैद कर सजा ना को, सजा नहीं देने का, उमर कैद नहीं उनको, 3 साल भी नहीं 6 साल भी नहीं बरस भी नहीं उनको फांसी। अभी क्या करे हम ना मान ले, हमें इंसाफ के बारे में यहाँ दरवाजे तक आए सोए, हम ना इंसाफ क्या करे, नहीं हुआ था चौकसी, दो लोगों को पकड़े कर को बोले उनको अरेस्ट करे सोए, क्या क्या हम ना मालूम नहीं, लेकिन हम ना इंसाफ ना, दुश्मनी उन्होंने कौन सी दुश्मनी निकाले उनको मालूम, दुश्मनी करे जैसा छोरा नहीं, नमाज अपना घर कौन है, एक बुद्धू है यहाँ रिश्तेदार है तो भी क्या, हमें हमारे घर के ये बुद्धू के साथ रहता हूँ, उसे लेक जाको मारे, उनको 3 साल की 6 साल की सजा नहीं, वैसा सजा देना नहीं उनको फांसी की, की बोला था इसके बाद दूसरा करना ला रूस की रूह का अपना हराम खोरा क्यों, उनके रूह का अपना कौन सा भी बच्चा रंग था, कौन सी भी जात का रंग था, उस उनको ऐसा करने का हया था, उन्हें 100 बार सोचना कि हमें उनको ऐसा करना का नहीं, अगली बार हमें उन्हें कभी भी नहीं करना ऐसे काम, कौन सा भी अंधा बच्चा, हम ना इंसाफ ना लोग बच्चे, हमें लोग बच्चे के बारे में है ना, हर लोग बच्चे के बारे में ऐसे लोग बच्चे के बारे में है ना, हर एक बच्चे के बारे में ऐसा, उनको फांसी की सजा होना चाहिए, हमें मारने वाले ऐसे अरबाज मुल्ला उसे ले को जाको बेमौत मारे सा शुक्रान दा बर्थडे पार्टी दी तुम कर को, हम ना इंसाफ ना अरबाज के जान के बदले हम ना जानी छो ना हमारे भी गांव में छोटे छोटे दूसरे बच्चे रहने वाले, आज हमारे बच्चों का भी भविष्य है, हमें भी बच्चे हमारे साला को जाने वाले ट्यूशन जाने वाले, क्या करके भेजेंगे बच्चे को, बुलाते हैं एक बुरे को बुलाते हैं मन में, हमें कैसे भेजेंगे बच्चे को, हमारे बच्चे का भविष्य भी खराब है कि नहीं है, गांव में ऐसा कत्ल कर करके सोचने लगे खुले आम के बच्चे, क्या ग्रामीण है जी गांव, क्या हमारा बड़ा भी नहीं गांव, कैसा करते हैं ना हमारे भी, उसके साथ साथ हमारे भी पंचायत को इंसाफ मिलता है नहीं, हमें सजा दिलाए तो आज बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक जो हमारे माइनॉरिटी कमिटी वालों के पास पेश आया, इससे भी पहले जो है बहुत सारे हास्य हुए हैं, मगर हमने जो है कि नहीं समझा था कि पर्सनल है उनके उन निजी जिंदगी का मसला है बोल के, मगर आज जो है हमारे को ऐसा नहीं लग रहा है, ये जो है जो मर्डर के पीछे अरबाज मुल्ला जो पिरनवाड़ी का रहने वाला 24 बरस का जो लड़का है, जो उसकी जो है नानी के पास जो रहता था, उसको जो है 13 तारीख के दिन जुमेरात के रात को जो है बर्थडे पार्टी के अवसर बोल के बुला को ले गए से जबरदस्ती से बुला को ले गए जाकर उसका जो है रात में मर्डर करके फेंके सो है, और हमने सब जनों को ऐसा डाउट और ऐसा शक है कि उन्होंने जो है मर्डर एक जगह करे सो है और उसके जो है सबूत मिटाने के लिए जो है दूसरा तरफ ले गए जाकर फेंके सो है उसको, तो इसके ऊपर जो है एक तो एक्शन उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी एक्शन होना उनके ऊपर, और दूसरी बात जो ये मर्डर केस में जो वो लड़कों को जो मर्डर करे हुए लड़कों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वहां के जो संगठन और जो लोकल एमएलए और जो लोकल कॉर्पोरेटर्स ये जो लोग जो कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी एक्शन लेना, हम जो है उनको प्रतिनिधि जो है कि नहीं बना के चुना के देश है बोले तो हमारे मर्डर करने के लिए नहीं है, हमारी सिक्योरिटी के लिए देश है, और इनमें पीछे से गुंडागिरी करके जो है हमारे लोगों को इस तरह से कत्ल करने लगे सर, इसके पहले भी जो है खानापुर में अरबाज मुल्ला के साथ यही हादसा हुआ, उसके पहले भी जो है पठान का जो है कि नहीं इसी तरह से मर्डर हुआ, अब हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है हमारे में, अगर इसके बाद कभी ऐसा हुआ तो जो है कि नहीं पब्लिक तो आदमी यंग लड़के तो यंग लड़के यहाँ तक औरतें भी जो है कि नहीं अब जो है बोल रहे कि उसका हीट का जवाब हमारे को पत्थर से देना पड़ेगा, ये जो है बोल के जो आज गुस्से में बहुत सारे लोग है आज गुस्से में आए हैं डीसी के पास, तो इसके लिए मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट भी किया हूँ और हाथ जोड़ के विनती भी किया हूँ कि जो है इसके ऊपर एक्शन लेना और इनके ऊपर जो है किडनैपिंग का केस लगना और जो है प्रूफ नष्ट करने का जो प्रूफ को मिटाने की भी जो कोशिश किए वो भी एक्शन होना इनके ऊपर,
ये दोनों एक्शन लगा के मर्डर का केस लगाना, और यूपी है यूएपीए जो है ना वो भी केस उनके ऊपर डालना, डाल के जो है ना इनको जो है लंबे देर के लिए जो है ना सजा देना। और इनको मैं तो कहूंगा कि इनको जो है फांसी की सजा देना, इनको जो है फांसी की सजा देना। और ये जो मेमोरेंडम जो है यहीं पर रुकने वाला नहीं, डीसी पास या तो पुलिस कमिश्नर पास, ये जो है होम मिनिस्टर पास जाएगा और सीएम के पास भी जाएगा और हमारे सतीश जारकिहोली साहब पास भी जाएगा, फिरोज शेख साहब अपना राजू शेख साहब पास भी जाएगा और जमीर अहमद साहब पास भी जाएगा। और इसके ऊपर अभी हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, पूरी तहकीकात करके जो लोग मुजरिम है, अच्छा ये जो लोग है ये सिर्फ मोहरे है, इनके पीछे जो कौन काम कर रहा है ना इसका हमारे को प्रूफ चाहिए और वो लोगों को सजा होना चाहिए। बस बस इतनी हमारी गुजारिश है। और इसके बाद में अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हमारे को ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ने वाला। लास्ट टाइम को इलेक्शन के मोमेंट में हमारे जो बीजेपी के होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर जिनको चाणक्य साहब कहते हैं, वो जो है यहाँ पर आकर स्टेटमेंट दे हैं कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगी तो दंगे हो जाएंगे, ये उसका प्रूफ दे रहे हैं। और हमारे को यकीन और गारंटी हो गया है कि ये बीजेपी के लोगों के काम कर रहे हैं। क्यों? कि जो है अब जो है कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट में आई है और वो लोग जैसा उन्होंने जैसा अपना वादा निभाए, पांच गारंटी दिए, पांच गारंटी पूरे कर रहे, तो ये बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही है और इससे जो है इनको सेंट्रल को धक्का बैठते बोल को ऐसे लोग जो है कि नहीं ऐसे ऐसे लोगों के पीछे ये बीजेपी गवर्नमेंट सपोर्ट करके जो है कि नहीं हमारे को माइनॉरिटी वालों को टारगेट बनाकर जो है मर्डर करने लगे सो है। तो हम जो है ना मर्डर से डरने वाले नहीं, अब हमारा भी जो वक्त आ गया कि हमारे को भी हिट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया। हमारा भी एक मासूम बंदा था और उसके फ्रेंड सर्कल जो है छोटे छोटे बच्चे थे, अगर उसे घर के अंदर गली के अंदर बच्चे भी मारे तो उन्हें अपनी नानी को जाकर बोलता था। उतना कमजोर लड़का था, तो उतने कमजोर लड़के को इतना बेरहमी से जो कत्ल हुआ वो गलत हुआ। डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छा काम करे, अरेस्ट करे, उनके ऊपर 302 केस डाले, डिपार्टमेंट का काम अपना हुआ। लेकिन हमारे हर एक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है जो उसे एरिया से लेकर गई और जो उसे मार को जो घसट लेते उसको बेरहमी से कत्ल करें, जो भी चार्जशीट आगे रेडी होने वाले कड़ी से कड़ी जो भी उसके सेक्शन है वो पूरे चार्जशीट के अंदर आना, और वो जो भी आरोपी है, आरोपी का कौन सा धर्म नहीं होता, आरोपी आरोपी होता है, तो आरोपी को जो अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिलना। और इसके बाद में ये बेलगाम रंधे या कांवे रंधे ऐसी चीजें कहां भी घटना नहीं होना। और सबसे पहली बात, ये घटना उठने का कारण क्या है, आजकल जो सोशल मीडिया में जो ये घटिया स्पीचेस दे रहे हैं इसके सब साइड इफेक्ट्स है। पहले भी छोटे मोटे गली में झगड़े होते थे लेकिन आज तक कौन भी जान से नहीं मारता था, लेकिन इतनी बड़ी करने के कारण लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। मेरी डिपार्टमेंट से हर जो को रिक्वेस्ट है, आज के बाद जो भी ऐसा गलत बयान देंगे, गलत गलत स्टेटमेंट देंगे, कौन सी भी कास्ट के रंधे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, चाहे वो कौन सी भी कास्ट के रहो। और ये जो हमें जो यहाँ जमा हुई कि अरबाज मुल्ला का जो है कि नहीं सहारा कौन है, उनकी नानी है क्या, तो उनको इंसाफ मिलना और जो भी करे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना और फांसी मिलना उसे, ये हमारी राय है। और हमारे डिपार्टमेंट जो वड़गांव के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे इमीडिएटली पकड़े, 302 डाले, आगे हमने उम्मीद है कि उन्होंने और जरा अच्छा काम करके जो भी उसकी चार्जशीट रेडी हुएंगी साहब हमने बोले चार्जशीट को हमें स्टिक कर दें बिल्कुल, और हमें सबसे ये दुआ करते हैं कि वो बच्चे को न्याय मिलन दे। पुलिस के हिसाब से देखो दो जने का उनका नाम है, दोनों को अरेस्ट करें, क्या पुलिस जो अपना काम करी, लेकिन हमें पुलिस से उम्मीद यज करते हैं कि तुम्हें काम अपना अच्छा करें। मेन चीज क्या है, दोबारा अभी कैसा होता है चार्जशीट कमजोर है तो बंदा रिलीज जल्दी होता है, तो लोगों के दिल में डर नहीं रहता। जब तक बंदा सड़ता नहीं तो दोबारा कौन भी ऐसा गलत काम करने से पहले हजार बार सोचना कि बाबा ये चीज करते तो नुकसान है। अब लोगों को मर्डर बोलने का आसानी भी कि ये चीज के वजह से, तो ऐसा नहीं होना। इसके आगे जो गलतियां हुई वो गलतियां होंगे और जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें भी हमारा सपोर्ट करन दे इस चीज के बारे में, और जो भी हमारा कानून है वो स्ट्रिक्ट बनन दे, ऐसी चीजा नहीं होना। जान बोले तो मामूली बात नहीं, कौन सी भी धर्म की जान दे, जान जानी चाहे तो जान की इज्जत रखो बनना। लोकल लीडर से तो मुलाकात किसके साथ नहीं हुई, अभी कैसा था, अभी हमें वहाँ परसों दिन उनका पोस्टमार्टम वगैरह करके मट्टी वगैरह सब करे, तो भाई हमारे गली के जो भी औरतें हैं नहीं, देखो इनोसेंट बंदा रहा तो इनोसेंट ही रहता है, वो बंदा जो है कि नहीं एकदम बच्चे के टाइप में बंदा था, तो वैसे बच्चे के टाइप के इंसान को मारेंगे नहीं, बहुत गलत करें मारे। ये हमारे आकिफ हवालदार, इनके अड्डे में बंदा काम करता था, 100-150 रुपए उसको पेमेंट था, इनके पास काम करता था बंदा, और वो जो बोर्ड है तो उसे गांजे की आदत इतनी, नशे की, ये सब चीजें गलत है। तो वो इंसान जवानी में गलत करता है, ऐसा नहीं कर पूरे गलत रहता है, तो वो चीज को गलत निशा दू नको, जो है उसके ऊपर फैक्ट के ऊपर काम करो, बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है।
पाप ऐन अरबाज ऐन को अरबाज वयस इपत् इपत्मूर और अम्म इलेवर इली पति सल दुड़ सल बारे खर्च होगी और अज्जी अदाड़ी पाप बड़ एकदम बड़वर नम मन बाजूक नाक मन बिट इवरद मन मत इवे को तक कठिन शिक्षा आगे आमले अम्मग गोर्मेंट दाकंद्र दुड़ो इवर वाकार यारू इला गोर्मेंट डी साहेबरि नम कर्नाटक राज्य मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इवर्ग मन ऐन पाप इवर्गे बड़वर इवर और स्वतंत मन ऐन और गोर्मेंट दन आगे मतवे और पेन्शन सिंग गोर्मेंट दिन पैस पेन्शन ऐतरल यू सिलको कभी वो रूपये इवत मट पाप और वयस ऐन रही 75 मैगे गोर्मेंट इन मन अंद्र गोर्मेंट परिहार को मन को आमेल पोलिस डिपार्टमेंट इबर मन ऐन बंदने मार और मैग कठिन क्रम तक और फाशी शिक्षा आगे एलू इत या ऊर पीरनवाड़ी ऊर हेंगी पीरनवाड़ी शांत ऊर ऐति ये जाति भेद ऐन ईनती सु गलाटे चालू आगे आग आगबार्थ ना हिरीर ही तीर्मान तक इन सल नम ऊर वेलू कूड़े वो सम एल समाज कूड़ी ना शांतता मीटिंग तक मत इन सल सरकार मन और मर्डर मार्ल हुड़गर और कठिन सजा आगे ना मन ऐन कारण पाप बर्थडे पार्टी हब्ब ऐन जबरदस्ती गाड़ी मैं कुंत टेबल टेबल शीट तक हमारे रात्रि तक हम अल स्वल वाद वीद आगे पुलिस डिपार्टमेंट चलो माती अवेन केस केस मिलते नूर रूपये सिगली अंत बड़ोरवर अब बड़ो सल न्याय इला सल न्याय इतने अलग हाद नर कले कोले अल यद होगदार आन बेगे नोड़ पुलिस फोन पुलिस फोन नम तल नर नम्बर गुतु एर तास ना नम पोलिस धन्यवाद हेतन एर तास आरोप हिड़ और इनक्वरी और जेल कल्चार आ ना डिपार्टमेंट मत एक्सेप्ट मत और मेले मत ऐनू चार्ज अदाव आ चार्ज हूँ आन नम सरकार मान्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्य साहेब इच्छा इष्टपड़ते आ मुदिकिद अब्बा और मनी भा बड़ोर अदार और सरकार ऐन परिहार को ना विनती Justice for our boss.
Pasito, 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 p